नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की तस्वीर अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। 23 नवंबर को देश ने जहां सुबह सुबह अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाते हुए देखा, तो वहीं आज सुबह अजीत पवार की एक दूसरी तस्वीर सामने आई, जब वो विधानसभा में एनसीपी नेताओं के साथ उन्होंने एंट्री की। ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार की घर वापसी हो गई है, वो एनसीपी में वापस लौट गए हैं। और जब वो विधानसभा के लिए पहुंचे तो बहन सुप्रिया सुले ने उन्हें गले से लगाया, फिर उनके पांव भी छुए। अजीत पवार मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। हालांकि इन तस्वीरों में जब लगातार रिपोर्टर उनसे दादा दादा कहकर सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया और सीधे अंदर की तरफ चले गए। 23 नवंबर की सुबह देश ने देखा था, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई थी, देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी, अजीत पवार को ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायक आएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन उसके बाद यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा, जिसके बाद बहुमत ना होता हुआ देखकर देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद लगातार अजीत पवार को मनाने की कोशिश चल रही थी एनसीपी की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जितनी भी बुआएं थी और बहन, खुद सुप्रिया सुले लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, और एनसीपी के बड़े नेता भी अजीत पवार से मिलने उनके घर गए थे। उसके बाद उन्हें मनाया गया और आज सुबह की यह तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आई। हम आपको दो विंडो में पूरी यह तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर 23 नवंबर की है, तो वही तस्वीर दूसरी तस्वीर आज की है। एक तस्वीर में आप अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हुए देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वो वापस एनसीपी नेताओं के साथ विधानसभा में एंट्री कर रहे हैं, जहां उनकी बहन सुप्रिया सुले उन्हें गले लगाकर अभिवादन कर रही है और सुप्रिया सुले ने फिर बाद में उनके पांव भी छुए। आपको बता दें कि शरद पवार के फैमिली में अजीत पवार बड़े भतीजे हैं, शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं, तो वहीं सुप्रिया सुले जो है अजीत पवार से तकरीबन 10 साल छोटी हैं। और उस परिवार में जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब अजीत पवार ने एनसीपी छोड़ के बीजेपी के साथ जाने का प्लान किया था और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने सुप्रिया सुले ने काफ़ी भावुक होकर कहा था। हालांकि उनके रोने की तस्वीर भी मीडिया में सामने आई थी कि परिवार और पार्टी दोनों टूट गई, लेकिन आज अजीत पवार की फिर से शरद पवार के परिवार में कहें तो वापसी हो गई है, साथ ही पार्टी में भी उनकी वापसी हो गई है। काफ़ी खुश दिख रहे थे, उनके चेहरे पर काफ़ी मुस्कुराहट थी। महाराष्ट्र की बदली हुई तस्वीर अभी काफ़ी कुछ बयां करने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि 28 नवंबर को शाम 6 बजे उद्धव ठाकरे शपथ लेने वाले हैं। अब यह गठबंधन जो है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तरह आगे बढ़ेगा, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, जिसमें इन्होंने कहा है कि गुड गवर्नमेंस ही इनका मकसद होगा। तो अब देखना है कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से आगे सरकार चलाते हैं और जो इन्हें बहुमत साबित करना है, वो फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे कैसे पास होते। खैर, बहुमत का आंकड़ा जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है, फिलहाल इस गठबंधन के पास है। तो महाराष्ट्र में अगली सरकार जो है वो ठाकरे की सरकार है, लेकिन आज की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह काफ़ी कुछ बयां कर रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 48 घंटे में कितना कुछ बदल गया। आप देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें। धन्यवाद।